नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको कॉर्पोरेट कास्टिंग दौरान क्यूब कैसे भरते हैं वो बताऊंगा। क्यूब से स्ट्रक्चर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जान सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमको पहले क्यूब जो मोल है, जो ये दिख रहा है मोल, उसको पूरी तरह से साफ कर देना है और फिर जो बोल्ट दिख रहा है बोल्ट एकदम टाइट कर देना है। फिर उसमें ऑयल लगवा लेना है। ऑयल लगा के फिर हमको क्यूब भरना है। हर एक क्यूब में हम कंक्रीट तीन लेयर में डालेंगे। फर्स्ट लेयर देखो आप डाल रहे हैं, फर्स्ट लेयर डाल के फिर उसमें 25 बार हम हैंड कंपिंग करके वो सरिया से कंपेक्शन करेंगे। मोल का साइज है 150 mm by 150 mm by 150 mm। फिर हम दूसरा लेयर करेंगे। दूसरा लेयर डाल के 25 बार कंपेक्शन करेंगे हैंड कंपिंग सरिया से। फिर हम तीसरा लेयर भरेंगे कंक्रीट का और फिर से तीसरी बार 25 बार कंपेक्शन करेंगे एंड कंपेक्शन सरिया से इस तरह से, और इस तरह सब में कर देंगे, सब क्यूब में। फिर लास्ट में हम सभी क्यूब पर फिनिशिंग कर देंगे, जो थापी दिख रही है उसी से फिनिशिंग करने के बाद थोड़ी देर सूखने देंगे। फिर उस पर हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग में इस तरह से पहले जिस दिन की कास्टिंग चल रही है उस दिन की डेट जो इसमें दिख रही है, फिर जिस ग्रेड की कॉन्क्रीट हो रही है उसका ग्रेड लिखेंगे। हमारे यहाँ M30 है तो हमने M30 लिखा है। फिर लास्ट में जिस कंपोनेंट का काम चल रहा है वो लिखेंगे, जैसे कि PCC है, राफ्ट है, वॉल है, स्लैब है। हमारे यहाँ जो वॉल चल रही है तो मैं W लिख के वो लिफ्ट चले दो नंबर लिखा, तो हमने W2 लिखा है। अब हम जानेंगे एक सैंपल या एक सेट में कितने क्यूब आते हैं। एक सैंपल में 3 क्यूब आते हैं। क्यूब 3 दिन के लिए, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 28 दिन के लिए लिए जाते हैं। आमतौर पर 7 दिन और 28 दिन का यूज होता है। अब क्यूब का फ्रीक्वेंसी जानेंगे। 1 से 5 क्यूबिक मीटर का कॉन्क्रीट होगा तो उसमें एक सैंपल आएगा। 6 से 15 क्यूबिक मीटर में 2 सैंपल, 16 से 30 क्यूबिक मीटर में 3 सैंपल, 31 से 50 सेंटी में 4 सैंपल और 51 और उससे भी ज़्यादा हो तो 4 सैंपल तो है प्लस 1 सैंपल कर देना, यानी 5 सैंपल हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे 98 CMT होगा तो 5 सैंपल ही होगा, 100 के बीच में है। लेकिन 100 से ज़्यादा हो गया 110 तो 6 सैंपल लेना पड़ेगा, यानी हमको हर एक 50 क्यूबिक मीटर ऐड होने पे एक सैंपल ऐड करना है।